चिलवाताल थाना क्षेत्र के जंगल बहादुरी अली शेखपुरवा निवासी इमरान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए सीओ कैंपियरगंज प्रभात राय ने बताया कि मृतक इमरान के भाइयों ने व्यापारिक झगड़े के साथ सीमेंट व्यवसायी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त टायर खोलने वाला खून लगा पाया है। दो मोबाइल और घटना में प्रयुक्त पिकअप बरामद कर लिया है। सीओ प्रभात राय ने बताया कि मृतक इमरान का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था, लेकिन घटना के एक दिन पहले ही दोनों में आपसी समझौता हो गया था, जो उसके भाइयों को नागवार लगा। इसी को लेकर इमरान के भाइयों ने जुल्फिकार और सीमेंट व्यवसायी तीरथ उर्फ मुद्रिका सहानी तथा जगलाल उर्फ जगनैन चौहान और अजय यादव के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज प्रभात राय ने बताया। अजय ताल में मर्डर हुआ था, त्यावधि 1 तारीख को, जिसकी सूचना हम लोग 2 तारीख को मिली थी। इमरान नामक व्यक्ति का हत्या करके वहाँ पे फेंक दिया गया था। लास्ट हम लोगों को सूचना मिली तो उसके बारे में पूरा डिटेल। क्या कारण था, क्या आया सामने मामला? कारण ये था कि पहले जो सूचना प्राप्त हुई तो इसके भाई गुलजार थे, गुलजार ने हम लोगों को सूचना दी और इमरान गुलजार का कहना था कि इसके पत्नी से इसका विवाद चल रहा था और पत्नी के खिलाफ और उसके चार पत्नी के चार भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन मामला जब पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो मामला कुछ और पाया गया। उसमें मामला ये पाया गया कि इमरान के जो भाई थे जुल्फिकार और दूसरा भाई इरफान और इसके अलावा 3 और अभियुक्त जो प्रकाश सहनी, तीरथ सहनी, मुद्रिका सहनी और जगलाल चौहान और अजय यादव, ये लोग मिलकर के साजिश के तहत हत्या किए थे। तो इनका ये था कि आपसी जो है कुछ विवाद चल रहा था, मतलब तीरथ सहनी से भी इनका पैसे का लेन देन का सीमेंट का, तीरथ सहनी जो है जुल्फिकार और इमरान से तीरथ सहनी का सीमेंट का व्यापार था। सीमेंट तीरथ सहनी सीमेंट पहुंचाता था इमरान को और जुल्फिकार को, उसका पैसे का लेन देन था, ये एक मामला था। दूसरा जो जुल्फिकार था और उसकी जुल्फिकार का इमरान की वाइफ से, मतलब जुल्फिकार का फैमिली जो था इनको इमरान की वाइफ से मतलब जो है बहुत नापसंद करते थे, तो ये चाहते थे कि इन लोगों के बीच में आपसी समझौता न हो, लेकिन घटना के एक दिन पहले ही इमरान का उसकी वाइफ से समझौता हो गया था। दूसरा ये भी पॉइंट था। कितने लोग गिरफ्तार किए गए अभी? गिरफ्तार अभी 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जगलाल चौहान और अजय यादव। बाकी 3 लोगों की गिरफ्तारी का सार्थक प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। जो है साजिश जुल्फिकार और इमरान का भाई, मृतक इमरान का भाई इरफान ने साजिश किया था और साजिश के दौरान इन लोग 1 तारीख को तीरथ सहनी को पूरा अपना प्लानिंग कर दिए थे, तो उसमें इन लोगों का साजिश करता थे और बाकी तीरथ सहनी ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर घटना स्थल पे ही एक ट्रैक्टर ड्राइवर ईटा गिराने गया था, वहाँ से ट्रैक्टर ड्राइवर के मोबाइल से तीरथ सहनी ने कॉल करके मृतक इमरान को बुलाया और उसके बाद बुला करके वहाँ पे अपने पिकअप में बैठाया। पिकअप में बैठाने के बाद जो है हिसाब किताब कर रहा था सीमेंट का, जो लेन देन का इनका हिसाब किताब था, उसी दौरान उसने एक पाना जो टायर खोलने वाला था उसी से पीछे से उसके सर पे वार किया और उस दौरान 2 लोग और जो गिरफ्तार हुए हैं, जगलाल चौहान एवं अजय यादव, वो दोनों लोग इसमें उसका साथ दिए और वहीं पे मार करके उनको जो है उस इमरान को फेंक दिए। मामला ये था कि हम अपने मायके में थे, जब से मेरे पेट में बच्चा था उसे हम अपने मायके में थे और जब हम ससुराल थे तो मेरे हस्बैंड से और मेरे जेठ जुल्फिकार इरफान से थोड़ा नोक झोंक हुई थी बिजनेस में, फिर उसके बाद हमको ले आके यहाँ पे मेरे हस्बैंड छोड़ दिए थे, हमारे बच्चा भी यहीं हुआ, सब कुछ यहीं मायके में रह रहे थे। फिर उसके बाद वो कई बार मेरे हस्बैंड को जान से मारने की धमकी भी दिए थे,
कहते तुम अपने बीवी को लेके आओगे तो उसको मार ढालेंगे और तुम्हें भी मार ढालेंगे। तो मेरे हस्बैंड डायरेक्ट से हमको अपने मायके में छोड़ कहे जब हो जाएगा तो हम तुमको अलग रखेंगे। और उसके बाद एक 29 को आए थे, वो दावत खाए खानों ना खाए, हमारे साथ बच्चे को खिलाए मिलाए। फिर उसके बाद उनको एक कॉल आई भैया कह के, फिर वो भैया बुलाए कि आओ। तो हम पूछे भी भैया किसका कॉल आया भैया, तो कहे कि भैया का कॉल आया है। फिर वो चले गए। फिर उसके बाद 2 तारीख को पता चला मेरे पे कॉल आया सर का, तो वो बताएं कि आपके हस्बैंड की बॉडी 4 लेन के पास मिली है। फिर मौके वारदात पे हम पूरा परिवार वहीं पे गए तो पता चला कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया। अभी मेरा 6 महीने का बेटा अभी था। तो पुलिस तो आप ही को अरेस्ट करके रखती थी। मेरी सास को बहुत टॉर्चर करती थी हमको, सास नंद जेठानी। शादी लव मैरिज की थी क्या? नहीं, अरेंज था, दहेज के लिए परेशान करती थी। तो फिर आपको ये पुलिस थाने बैठाई थी कुछ दिनों तक? हाँ, मगर प्रशासन की मदद से हम लोग निर्दोष अभी तो एक, क्योंकि जो गुनाहगार था वो पकड़ा गया। और यही चाहते कि मेरे हस्बैंड को भी न्याय मिले हम लोग को, और जो गुनाहगार भागे उनको पकड़े।